हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जो ऑर्गेनिक रिएक्शन की नेम रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में हम रीअरेंजमेंट करेंगे फेनोलिक एस्टर को, हाइड्रोक्साइल कीटोन में कन्वर्ट करेंगे ऑन हीटिंग और कुछ सुटेबल कैटलिस्ट। जैसे कि हम यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ करेंगे AlCl3, BF3, SnCl4 और TiCl4 और HF। इन कैटलिस्ट को यूज़ कर हम यहाँ पे इस रिएक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस रिएक्शन में हम मैकेनिज्म और इसके कुछ एग्जांपल हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है, ये फिनॉल की रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम फिनॉल की रिएक्शन से हम एस्टर को बनाएंगे, उसके बाद हम उसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिनॉल की रिएक्शन एक बेस के साथ करेंगे। तो आइए देखेंगे, देखिए मैंने फिनॉल लिखा। इस फिनॉल की रिएक्शन मैंने NaOH के साथ की। बेस है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके साथ रिएक्शन करूँगा तो याद रखना OH माइनस रहता, सोडियम प्लस रहता, ये आपको तो पता है। तो यहाँ पे जो NaOH का जो OH है, ये OH क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को खुद की ओर एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो एट ए टाइम क्या होगा, ये जो फिनॉल का ऑक्सीजन जो रहेगा, ये लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इस बॉन्ड में, वो खुद की ओर खींच लेगा। मतलब ये H प्लस निकल जाएगा और ये OH माइनस, मतलब ये क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, साइड प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद अभी जो हमारा बचा हुआ जो है, क्या है, सोडियम है, ठीक है, सोडियम है ऑक्सीजन के साथ Na+O। तो इसको हम कहेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। क्या कहेंगे हम इसको, सोडियम फिनॉक्साइड। अभी सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन हम करेंगे एक एसिड के साथ। अब यहाँ पे एसिड आप इथेनॉल क्लोराइड ले सकते हैं, एसिटिक एसिड ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे लेंगे इथेनॉल क्लोराइड, ठीक है। उसकी रिएक्शन हम इस एसिड के साथ करेंगे। जैसे इस एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज, बेसिक जानकारी होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस क्लोरीन और उस कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिव का बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसमें ये जो कार्बन है वो पॉजिटिव साइन कैरी करेगा और ये नेगेटिव, क्योंकि याद रखना क्लोरीन, आप बोलेंगे सर ऑक्सीजन भी है ना नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, मगर यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे क्लोरीन के साथ, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो उसके ऊपर हमने माइनस चार्ज दिखाया और इस कार्बन पे पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हमने बात की है क्योंकि क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को खुद की ओर खींच लेता है, कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन्स को, तो वहाँ पर क्या है वो पॉजिटिव साइन दिखाते हैं। अब यहाँ पर ये जो फिनॉक्साइड आयन है, ये क्या करेगा, यहाँ पर इधर इस कार्बन पर अटैक करेगा। जैसे ही कार्बन पे अटैक करेगा तो ये जो क्लोरीन माइनस है, ये गुड लिविंग ग्रुप है, तो इस सीएल माइनस किसके साथ चला जाएगा, इस सोडियम के साथ चला जाएगा। तो क्या बनाएगा, NaCl, क्या बनाएगा, NaCl। अब जहाँ से अपने सोडियम निकाला है वहाँ पे क्या करना है, ये COCH3 को ऐड करना है, ठीक है। तो देखिए मैंने कैसे बनाया उसको, बहुत ईजी रिएक्शन है ये। ओ देखिए COCH3, बस क्या किया मैंने, इस क्लोरीन को इस सोडियम के साथ NaCl रिमूव किया है। अब यहाँ पे क्लोरीन क्यों रिमूव हुआ है, क्योंकि ये गुड लिविंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन लेके माइनस चार्ज कैरी करेगा और ये सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा और NaCl साइड प्रोडक्ट में चला जाएगा। तो अभी यहाँ पे जो सोडियम यहाँ से निकला है, यहाँ पे हमको COCH3 को ऐड करना है। तो ये हमारा बन गया, क्या बन गया, एस्टर, क्या बना हमारा, एस्टर। अब याद रखना इसका नेमिंग भी आपको आना चाहिए, ठीक है। अब नेमिंग में हम देखिए, ये हमारा जो बेंजीन है इसको हम क्या कहेंगे, अब इसका फॉर्मूला देखेंगे तो C6H5 है, ठीक है। और ये देखिए COOCH3, मतलब ये एस्टर है, ठीक है। तो इस एस्टर पर ये फिनाइल ग्रुप अटैच है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फिनाइल, याद रखना C6H5 को हम फिनाइल कहते हैं, ठीक है, फिनाइल। और ये दोनों क्या कहेंगे, एसीटेट, क्या कहेंगे हम, एसीटेट,
और ये एसीटेट जो है देखिए लास्ट में ए टी लगा है, ए टी जो सफिक्स है हम एस्टर के लिए लगाते हैं याद रखना है, तो ये बना फिनाइल एसीटेट। अब यहाँ से जो मेन रिएक्शन होगी हमारी फ्राइज रीअरेंजमेंट की रिएक्शन होगी। अब इस फ्राइज रीअरेंजमेंट में हम जैसे देखिए टेम्परेचर को मैंने ऐड किया, मतलब इसको टेम्परेचर या तो हीट दिया या तो रूम टेम्परेचर पर रख दिया, तो आपको वहाँ पर दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मिलेगा ऑर्थो प्रोडक्ट और दूसरा मिलेगा पैरा प्रोडक्ट। तो देखिए मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको इस तरह, ठीक है, इसके दो प्रोडक्ट दिखाऊंगा मैं यहाँ, इसका मैकेनिज्म हम अच्छी तरह देख लेंगे। ये देखिए, ठीक है, एक एक वाला जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको वो ऑर्थो रहेगा, एक रहेगा ऑर्थो रहेगा, ठीक है, और दूसरा जो रहेगा वो क्या रहेगा हमारा पैरा रहेगा। आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे हमेशा याद रखना फ्राइज रीअरेंजमेंट में, एक ऑर्थो रहता और एक पैरा रहता, ठीक है, एक ऑर्थो और एक पैरा। अब इसमें अब ऑर्थो कब मिलता है देखिए, ठीक है, तो याद रखना ये जो रिएक्शन है वो टेम्परेचर पे डिपेंड है, ठीक है। आपने रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन की तो आपको क्या मिलेगा, मतलब जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, कम है, तो उसको आपको प्रोडक्ट मिलेगा, उसका आपको प्रोडक्ट मिलेगा पैरा प्रोडक्ट, ठीक है। अब टेम्परेचर हाई होगा मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहेगा तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो पैरा वाला मिलेगा, सॉरी ऑर्थो वाला मिलेगा, ठीक है। पैरा वाला लो टेम्परेचर पर मिलेगा, एट हाई टेम्परेचर पर आपको ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मिलेगा, और जो ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट रहता है वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल रहता, क्यों, क्योंकि वो उसमें हमने टेम्परेचर हाई लगाया है, ठीक है, और वहाँ पे जो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो रहता वो भी हाई रहता, क्यों रहता, क्योंकि उसके अंदर जो बॉन्डिंग रहती है वो इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है किसका, ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहता और वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल रहता है। ये कुछ आपको पॉइंट्स याद रखने, ठीक है। तो देखिए जैसे हमने मैंने दो प्रोडक्ट दिखाया है, ठीक है, ये टेम्परेचर पे आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं, ये वाला इसको हम ऑर्थो कहेंगे और इसको हम पैरा कहेंगे, ऑर्थो और पैरा, ठीक है। अब इसके साथ इनको नेमिंग भी आना चाहिए। अब हमने जो इसको ऑर्थो और पैरा किस बेसिस पे कहा है, किसके रिस्पेक्ट में कहा है, तो याद रखना इसके रिस्पेक्ट में हमने ऑर्थो और पैरा बताया है, ठीक है, ये जो है ना कीटोन का ग्रुप लग गया है, इसके रिस्पेक्ट में हम पैरा और ऑर्थो बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो OH लगा है इसके रिस्पेक्ट में इसके ऑर्थो पे लगा है, ठीक है, तो नाम क्या बना, ऑर्थो OH है मतलब हाइड्रोक्सी, और ये एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन ये इसका नाम बन गया, ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ठीक है। अब यहाँ पे पैरा पे लगाया तो इसको क्या कहेंगे, पैरा, देखिए इसके रिस्पेक्ट में पैरा बन गया एसिटोफिनोन, ठीक है, ये कीटोन के रिस्पेक्ट में हम इसको हाइड्रोक्सी को पैरा कहेंगे, ठीक है, तो ये पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ठीक है। इसका आईपीसी नेम कैसे करेंगे हम, ये वन पोजीशन या टू पोजीशन, तो क्या कहेंगे हम, टू हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, और ये क्या कहेंगे हम इसको, फोर हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ठीक है। तो याद रखना आपको ये कॉमन नेम और आईपीसी नेम आने चाहिए। तो ये क्या क्या याद रखेंगे आप यहाँ पे, कि आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो कब मिलेगा जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहेगा, और पैरा कब मिलेगा जब टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर होगा, रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर होगी, ठीक है, विदाउट हीटिंग की, ठीक है, तो उसको हमको पैरा प्रोडक्ट। और यहाँ पे आपको लुईस एसिड भी यूज़ करना है, याद रखना आपको टेम्परेचर के साथ आपको लुईस एसिड भी यूज़ करना है, लुईस एसिड जैसे कि AlCl3 हम यूज़ करते हैं उस विथ टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, विच कैटलिस्ट, AlCl3 लुईस एसिड, ठीक है, चीज़ें आपको याद रखनी है। अब जिसके आगे हम बात करेंगे वो क्या करेंगे, मैकेनिज्म की बात करेंगे, ठीक है, हम फ्राइज रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म की। अब इस मैकेनिज्म में हम फिनाइल एसीटेट का जो रिएजेंट है हम उसकी रिएक्शन लुईस एसिड के साथ करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, CS2 हमारा सॉल्वेंट रहेगा। अब हम रिएक्शन जो AlCl3 के साथ करेंगे, मतलब ये लुईस एसिड है, सबसे पहले हम इसको लुईस एसिड क्यों कहते हैं, तो लुईस के हिसाब से जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लेता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, लुईस एसिड। जो देता होगा, डोनेट करता होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, लुईस बेस, ठीक है। जैसे कि एल्यूमिनियम देखिए,
इसको तीन थ्री क्लोरीन अटैच है और इसकी थ्री क्लोरीन में हर बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, टू 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 मतलब सिक्स, मतलब इसको और दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो दो इलेक्ट्रॉन्स लेगा, मतलब ये लुईस एसिड है। अब इस रिएक्शन में लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, किससे लेगा? तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जो ऑक्सीजन है sp3 वाला ऑक्सीजन जो है जिसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है, ये क्या करेगा, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इस एल्यूमिनियम को डोनेट करेगा। ठीक है, दिख रहा है आपको, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स देगा, डोनेट करेगा इस एल्यूमिनियम को, तो क्या बनाएगा, तो देखिए ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव साइन, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दिया है, किसको दिया है, AlCl3 को इलेक्ट्रॉन दिया है। ठीक है, तो और एक आपको बात बताऊं मैं कि जहाँ पे हाइड्रोजन, देखिए बेंजीन के हर कार्बन पे हाइड्रोजन रहते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। अब उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे वापस हाइड्रोजन लगाऊंगा, बार बार नहीं लगाऊंगा, तो आपको समझना है कि हर कार्बन बेंजीन के कार्बन पे हाइड्रोजन है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो लगा ये क्या लगा है हमारा, C डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, क्यों, क्योंकि उसने अब इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है। ठीक है, और किसने लिया है, वो एल्यूमिनियम में लिया है, तो उस पर चार्ज जो बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो उसके आगे जो स्टेप रहेगी वो क्या रहेगी, फॉर्मेशन ऑफ असाइलियम आयन, क्या बनाएंगे हम, असाइलियम आयन, और उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और कार्बोकैटायन। तो याद रखना है हम प्राइज रीअरेंजमेंट में जो आपको इलेक्ट्रोफाइल मिलता है वो कौन सा मिलेगा, असाइलियम आयन और कार्बोकैटायन, एक ही नाम है। तो देखिए अब यहाँ पे हम जो असाइलियम आयन बनाएंगे तो इस असाइल ग्रुप को यहाँ पे ब्रेक करेंगे। अभी जब ब्रेक करेंगे, देखिए मैंने ये जो बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करूँगा तो असाइलियम आयन बनाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखूँगा मैं कि हमने जो बनाया है, क्या मिला हमें, असाइलियम आयन। ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया। अब इस पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, तो याद रखना जो ऑक्सीजन रहता ये खुद के इसके कार्बन के और इसके कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खुद की ओर खींच लेता है, जब खुद की ओर खींच लेता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव साइन आ जाता है, मतलब लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस उसके रिटेन हो गए। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे कि देखिए ये ऑक्सीजन इसके लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस से आ गए और यहाँ पे जो लगा वापस से हमारा AlCl3 जो यहाँ पे लिखा है हमने एज इट इज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, तो फॉर्मेशन ऑफ हमने क्या किया, असाइलियम आयन, और यह क्या रहता है, असाइलियम जो आयन है असाइलियम ये स्टेबल रहेगा क्योंकि रेजोनेंस दिखा था, याद रखना है रेजोनेंस की वजह से क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। अब ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो है हमारा ये वाला कंपाउंड, इसको मैं वापस यहाँ पे लिखूंगा एज इट इज, इसमें ऑक्सीजन AlCl3। अब देखिए जो AlCl3 और ये ऑक्सीजन है ये हमको जो इफेक्ट दिखाएंगे वो प्लस आर इफेक्ट दिखाएंगे, कौन सा दिखाएंगे, प्लस आर इफेक्ट दिखाएंगे। प्लस आर इफेक्ट किसको कहते हैं हम, जैसे कि बेंजीन में देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहते, सिक्स रहते, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने बेंजीन में, सिक्स रहते, और क्या होते हैं, डीलोकलाइज होते एक जगह से दूसरी जगह। अब ये जो बेंजीन का जो न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा खुद की ओर, कौन से इलेक्ट्रॉन को, इस ऑक्सीजन के, मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर ढकल रहा है, रिलीज कर रहा है, मतलब ये आर इफेक्ट दिखाएगा, क्या दिखाएगा, आर इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, जैसे ही आर इफेक्ट दिखाएगा, देखिए लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मैंने अंदर की ओर रिलीज किया, डीलोकलाइज्ड हो गया एक जगह से दूसरी जगह, मतलब यहाँ की जो पाई बॉन्ड है शिफ्ट हो गई इस और तो पोजीशन पे। तो याद रखना पाई बॉन्ड ही ब्रेक होगी, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं होगी, पाई इलेक्ट्रॉन्स के और तो पोजीशन पे आएंगे। सपोज हमने वो शिफ्ट नहीं किया, एज इट इज लिखा, जैसे कि AlCl3 और ये क्या है हमारा ये ऑक्सीजन, तो देखिए इस कार्बन पर नंबर ऑफ वैलेंसी कितनी होगी इसकी, 5 हो गई। एक्चुअली कार्बन की वैलेंस कितनी रहती, 4 रहती, तो इस वाली पाई बॉन्ड को आपको इस कार्बन बाजू वाले कार्बन पे शिफ्ट करना है, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बनेंगे 2, ये तो हम नेगेटिव साइंस इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ये ऑर्थो पोजीशन पे आ गए, देखिए मैंने दिखाऊंगा यहाँ पे AlCl3, ठीक है ये ऑक्सीजन AlCl3, ठीक है यहाँ से बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गई है, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो गए, जो न्यू बॉन्ड बनी इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में, और ऑक्सीजन के ऊपर वापस से कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए किसमें, बेंजीन में। ठीक है, उसके बाद अब जो हमने ऑर्थो पर जो नेगेटिव साइन दिखाया है यहाँ पे रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
अभी यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर ये अटैक करेगा, जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है अभी जो हमने बनाया एसिलियम आयन, अभी क्या करेगा यहाँ पे डायरेक्टली अटैक करेगा, कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे डायरेक्टली अटैक करेगा और ये क्या बनाएगा, ये देखिए ये बना हमारा ये ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे देखिए बॉन्ड एज इट्स लुकिंग डबल बॉन्ड, और यहाँ पे जो बॉन्ड बनाया हमने न्यू वाला एसाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन रहता, मैंने बताया यहाँ पे अभी कि यहाँ पे हाइड्रोजन रहता हर कार्बन पे, और ये AlCl3 एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिखा और इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव साइन लिखा क्योंकि वैलेंसी दो से ज़्यादा हो गई, देख सकते हैं आप यहाँ पे। अब इस बेंजीन की जरा बात करेंगे तो इस बेंजीन ने इसकी एरोमेटिसिटी जो खो दी, लॉस कर दी, अब इसकी रीजनरेट होगी, मतलब वापस से रिटेन होगी इसकी एरोमेटिसिटी। अब वो कौन करेगा, हमारा जो हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन बहुत ही प्यारा है और बहुत ही छोटा है और बहुत ही दरिया दिल वाला है, अब वो क्या करेगा, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा, वो इलेक्ट्रॉन दे के चला जाएगा H प्लस के फॉर्म में। तो देखिए जो बेंजीन पे जो ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन जो है ना, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट करेगा पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा और वो H प्लस के फॉर्म में बाहर चला जाएगा, और ये जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए हाइड्रोजन के इस बॉन्ड के, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए तो बॉन्ड यहाँ पे न्यू बॉन्ड फॉर्म होगी, और ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन इस कार्बन की, इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगी इस, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हो, देखिए समझ में तो आ रहा आपको, इट्स वेरी इजी, वापस से AlCl3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बना हमारा असाइल ग्रुप एज इट इज। अब देखिए हाइड्रोजन तो यहाँ से H प्लस के फॉर्म में निकला है तो अकेला नहीं जाएगा, ठीक है, उसको देने वाले भी ग्रुप रहते कुछ लेके जाने के, देने के लिए, जैसे कि क्लोरीन हमारा यहाँ पे है, एल्युमिनियम के पास 3 क्लोरीन है, तो एल्युमिनियम क्या कहेगा, भाई खाली हाथ मत जा, मेरे क्लोरीन को लेके जा। तो यहाँ से AlCl3 में से एक क्लोरीन और H प्लस जो यहाँ से हमने निकाला H प्लस, जो वो हाइड्रोजन जो यहाँ पे इसने एरोमेटिसिटी वापस से रिटेन की, वो H प्लस है और यहाँ से एक क्लोरीन, वो क्या बनाएंगे, HCl बनाएंगे। तो हमने क्या लॉस किया वहाँ पे, HCl3 रिमूव होगा यहाँ पे साइड प्रोडक्ट में, मतलब यहाँ पे AlCl2 बनाएगा, ये क्या बनाएगा, AlCl2। उसके बाद जो रिएक्शन रहेगी हम क्या करेंगे इसमें, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे। जैसे हमने हाइड्रोलाइसिस किया तो ये AlCl2 पूरा का पूरा रिमूव होगा और इसकी जगह पर कौन आएगा, H प्लस आयन आएगा और वहाँ पे वो बनेगा OH हाइड्रोक्सी ग्रुप, और ये हमारा बन गया हाइड्रोक्सी ग्रुप और इसके ऑर्थो पोजिशन में हमारा असाइल ग्रुप, ठीक है। ये जो हमने प्रोडक्ट बनाया वो है, हमने ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बनाया, इसका नाम क्या बना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, क्या बनाया, एसिटोफिनोन, ये याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद जो प्यारा बनेगा, बस प्यारे के लिए आपको चेंज क्या करना, देखिए थोड़ा इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्यारा पोजीशन की, अब प्यारा कब मिलेगा, तो देखिए थोड़ा सा चेंज है, कहाँ पे चेंज करेंगे हम, जहाँ से हमने, देखिए यहाँ पे चेंज करेंगे हम, ठीक है, देखिए यहाँ पे चेंज करेंगे डायरेक्टली, तो ये रफ करूँगा मैं, जहाँ पे हमने ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज किया था, अब वहाँ पे डायरेक्ट हम प्यारा पे दिखाएंगे, बस इतना ही चेंज है। तो देखिए अब जो हमने यहाँ से जो है ऑर्थो, अब ऑर्थो का तो हो गया, अब हम पैरा का देख रहे हैं। अब यहाँ पे इस बॉन्ड जो, ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड है, ये कहाँ पे शिफ्ट होगी, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे होगी, ये आप अंदर से दिखाओ इस एरो को या बाहर से दिखाओ, तो एट अ टाइम ये जो पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड है, ये होगी ऑर्थो के ऊपर शिफ्ट, तो ये क्या बनाएगा, वो ये तो बताया हमने आर इफेक्ट दिखाता है, ये कैसे आर इफेक्ट दिखाता है वो हमने बात की अभी ही। उसके बाद देखिए ये पाई बॉन्ड इस बीच, इसके बीच में आएगी, जहाँ पे डबल बॉन्ड है यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगी, और ये जो पाई बॉन्ड है उठकर कहाँ पे आएगी, इसके पैरा पोजीशन पे आएगी, ठीक है। ये तो बॉन्ड एज इट इज़ लिखा मैंने यहाँ पे, उसके बाद देखिए हम यहाँ पे अटैक करेंगे किसको, हमारे इलेक्ट्रोफाइल को, हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ये वाला एसिलियम आयन, हमारा ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, ठीक है। अभी यहाँ डायरेक्टली यहाँ पे अटैक करेगा पैरा पे और फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट,
ये ऑक्सीजन और यहाँ पे आ गया हमारा असाइल ग्रुप, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पे भी मैंने कहा था हाइड्रोजन रहता हर कार्बन पे, ये हाइड्रोजन अब इसने इसकी एरोमेटिसिटी लूज की है, अब क्या करेगा इसकी एरोमेटिसिटी को वापस से रिटेन करेगा, कौन करेगा, ये हाइड्रोजन। अब ये क्या करेगा देखिए, वापस से इसने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन को ये शिफ्ट करेगा यहाँ पे, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगी और ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे आएगी, ठीक है। और ये हाइड्रोजन एच प्लस और यहाँ से एक क्लोरिन, ये क्या बनाएंगे, एच सी एल बनाएंगे, और उसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा कौन सा मिलेगा, ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, कौन सा, ये बना हमारा ओ एच और यहाँ पे बना ये सी एच थ्री ओ एच, ये हमारा क्या बना, ये बनी हमारी पूरी की पूरी ऑर्थो और पैरा पोजिशन का प्रोडक्ट, जहाँ पे हम फ्राइज रीअरेंजमेंट पढ़ते हैं। इस बस हुआ क्या, देख सकते हैं आप यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुआ है, वही मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन से उठ कर आकर, ऑक्सीजन से उठ कर आकर इस बेंजीन के पैरा और ऑर्थो पे वो अटैक हो जाता है। तो याद रखना आप पैरा ये भी ले सकते हैं या तो ये ले सकते हैं, इसमें दो पैरा और आपको एक सॉरी दो ऑर्थो, आपको दो ऑर्थो और एक पैरा मिलता है, ये आपको चीज़ें याद रखना। उसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल, तो हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की, इस फ्राइज रीअरेंजमेंट में कुछ एग्जाम्पल लेंगे, थोड़ी हैं, थ्री एग्जाम्पल लेंगे हम। देखिए फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है, ये जो है एस्पिरिन है, इस एस्पिरिन को हम सैलिसैलिक एसिड से बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लेडल की बुक में मिलेगी पेज नंबर 645 पर रिएक्शंस। तो देखिए आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे, यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा, देखिए यहाँ पे टेम्परेचर नहीं दिया है, हीटिंग नहीं दिया है, तो आपको जो प्रोडक्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा, प्यारा रहेगा, क्योंकि प्यारा प्रोडक्ट कब मिलता है, जब टेम्परेचर कम रहता है। सपोज टेम्परेचर हाई रहेगा तो आपको ऑर्थो मिलेगा, हीटिंग दिया होगा तो, यहाँ पे हीटिंग नहीं दिया तो आपका जो प्रोडक्ट जो बनेगा वो, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा आपका, देखिए ये हमारा सी डबल बॉन्ड सी एच थ्री और ये हमारा ओ एच, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा AlCl3 के प्रेजेंस में, और जहाँ पे टेम्परेचर कम है, लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब रूम टेम्परेचर पर बात किए हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल देखिए, AlCl3 दिया है, CS2 सॉल्वेंट दिया है और यहाँ पे हीटिंग दिया है, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा ऑर्थो मिलेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या मिलेगा, हीटिंग है ना, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा कौन सा मिलेगा, ऑर्थो मिलेगा, याद रखना है आपको। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा मैंने, यहाँ पे ये OH और यहाँ पे इस ऑर्थो पोजिशन पे आएगा ये असाइल ग्रुप और ये हमारा मिथाइल मेटा पे एज इट इज रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिएक्शन में क्या आएगा, यहाँ पे भी आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे हीटिंग दिया है, AlCl3 ऐड किया और हीटिंग दिया है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ये मेटा पोजीशन है, तो आपको जो प्रोडक्ट मिला हीट दिया है, मतलब यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ऑर्थो मिलेगा, याद रखना है, हीटिंग टेम्परेचर दिया है, ठीक है। या तो टेम्परेचर आपको, टेम्परेचर वो नंबर में भी दे सकता है, या तो ऐसा हीट दे सकता है ट्रायंगल, ठीक है। तो आपको जो प्रोडक्ट बनेगा ये OH, उसके बाद ये बना हमारा सी डबल बॉन्ड OH। तो याद है ना, ऑर्थो वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों रहता है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग दिखाता, तो इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है ऑर्थो में, तो इसलिए ऑर्थो में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू पैरा। पैरा में इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता और ऑर्थो में इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती, इसलिए ऑर्थो का मेजर बॉइलिंग पॉइंट जो है ज़्यादा रहता एज़ कम्पेयर टू पैरा, ठीक है। तो थैंक यू।